वो समझ और आज की वीडियो में बात करेंगे कि वन प्लस सेवन या फिर किसी भी वन प्लस डिवाइस को डाउनग्रेड कैसे करें, किसी भी डेवलपर प्रीव्यू एंड्रॉयड क्यू रोम से एंड्रॉयड पाई पे स्टॉक रोम पे। तो डाउनलोड करने की प्रोसेस में इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि डाउनग्रेड कैसे करते हैं। हालांकि मैं इस पर कुछ वीडियोस बना चुका हूँ कि आप इसको अपग्रेड और डाउनग्रेड कैसे कर सकते हो, बट ये पूरा सेपरेट वीडियो होगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आप किस एंड्रॉयड क्यू से एंड्रॉयड पी पे डाउनग्रेड कैसे कर सकते हो। तो अभी वन प्लस का करंट रोम अवेलेबल है एंड्रॉयड 10, जो कि डेवलपर प्रीव्यू 4 है लेटेस्ट वाला। बट आपको अगर रोम डाउनग्रेड करना हो, आपको पुराने रोम पसंद नहीं आ रही हो, तो उसके लिए वीडियो है। और मेथड बिल्कुल सेम रहेगी वन प्लस 6, 6T, 7 और 7 प्रो के लिए। मैं भी दूसरे वन प्लस डिवाइस के लिए भी सेम रहेगी, मैंने अब तक ट्राई नहीं किया, बट इन सब की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। बस आपको डाउनग्रेड वाली फाइल डाउनलोड करनी होगी और प्लेस करना होगा। तो आगे देखते हैं वीडियो में कैसे कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं डाउनग्रेड करना। डाउनलोड करने के लिए आप डाउनग्रेड वाली फाइल डिस्क्रिप्शन से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद उसे आपको इंटरनल स्टोरेज में लोकेट करना होगा, जहाँ पे भी आपने डाउनलोड किया। फॉर एग्जांपल डाउनलोड के फोल्डर में, अगर डाउनलोड के फोल्डर में डाउनलोड किया तो उसको आपको मूव करना होगा आपके इंटरनल स्टोरेज में। इंटरनल स्टोरेज में आप उस फाइल को मूव कर लीजिए, डाउनलोड डाउनग्रेड वाली फाइल को। एंड उसके बाद आपको उसे रीनेम करना होगा, क्योंकि इस फाइल का नाम एंड होता है .jar एक्सटेंशन के साथ, जिसे आपको रिमूव करना होगा और इसका एक्सटेंशन आपको सेट करना होगा .zip। तो मेक श्योर आपने इस फाइल को रीनेम कर दिया हो, अदरवाइज ये फाइल लोकेट नहीं होगी आपके लोकल अपग्रेड में। तो इस फाइल को रीनेम कर देने के बाद आपको इसे इंटरनल स्टोरेज में छोड़ देना होगा और आप जाओ सेटिंग्स मेन्यू में। अब आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अभी आपको बता दूं कि मेरा डिवाइस अभी चल रहा है एंड्रॉयड वर्जन 10 पे, एंड्रॉयड क्यू पे डेवलपर प्रीव्यू 4 है जो, और इसे डाउनलोड कर सकते हो आप किसी भी एंड्रॉयड वर्जन पे हो, क्यू वगैरह किसी भी वर्जन पे। मैथड बिल्कुल सेम रहेगी डाउनलोड की, तो आप किसी भी डेवलपर प्रीव्यू या फिर स्टेबल एंड्रॉयड क्यू पे हो तो डाउनलोड की प्रोसेस सेम रहेगी, फाइल्स डिफरेंट हो सकती है। तो यहाँ पे आपको सिस्टम में जाकर सिस्टम अपडेट पे जाना होगा, फिर ऊपर से सेटिंग्स मेन्यू पे क्लिक करके लोकल अपडेट पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पे आपको इंटरनल स्टोरेज में रखी फुल डाउनलोड वाली फाइल आपको दिख जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर नहीं रिफ्लेक्ट हो रही तो इसका मतलब ये है कि आपने फाइल का एक्सटेंशन चेंज नहीं किया है। इस फाइल को सिलेक्ट कीजिए और फ्रेश कर दीजिए, अगर पिन पूछे तो पिन डाल देना। इस प्रोसेस में आपका सारा डेटा वाइप हो जाएगा, तो मेक श्योर आपने आपका सारा इंपॉर्टेंट डेटा का बैकअप ले लिया हो, इंटरनल स्टोरेज भी चला जाएगा। मोबाइल कुछ एक बार रिबूट होगा, रिबूट होने के बाद आपको आपका मोबाइल देखने को मिलेगा एंड्रॉयड 5 में। सिंपली सेटअप कर लीजिए और एंजॉय कीजिए। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दो, और वन प्लस रिलेटेड बाकी वीडियोस को देखने के लिए भी आप जा सकते हो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में, और वन प्लस रिलेटेड बाकी वीडियोस को देख सकते हो। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑल ऑफ फ्यूचर वीडियोस, एंड दिस इज द पेज साइन आउट, मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।